नमस्कार दोस्तों, पुराने रिसर्च में ये माना गया था कि अल्कोहल अगर संतुलित मात्रा में लिया जाए तो उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, पर हाल ही में हुई एक रीसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं है। शराब पहले घूंट से ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही और ज़रूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अल्कोहल का शरीर पर क्या असर होता है और ख़ासकर लिवर को कैसे ये डैमेज करता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल कोई भी हो, बियर, विस्की, वोडका, वाइन, शैम्पेन, टकीला या स्कॉच, हमारे शरीर और लिवर को नुकसान पहुंचाती है। हम अधिकतम कितनी शराब एक दिन में पी सकते हैं इसकी सीमा निर्धारित है और वह पुरुषों में 2 ड्रिंक्स पर डे और महिलाओं में 1 ड्रिंक पर डे है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ वाइन पीता हूँ या मैं सिर्फ बियर पीता हूँ तो आप गलत हैं। किसी भी फॉर्म में शराब नुकसानदायक है। एक रेगुलर बियर में 7-8% अल्कोहल होता है, जबकि लाजर लाइट बियर में 4.2%, वाइन में 12-17% अल्कोहल होता है, वहीं जिन, रम, टकीला, वोडका, ब्रांडी, विस्की में 40% अल्कोहल होता है। दोस्तों, अगर हम एक ड्रिंक की वैल्यू की बात करें तो एक ड्रिंक हमें मिलता है 345 ml 5% बियर में या फिर 148 ml वाइन में और 44 ml डिस्टिल्ड स्प्रिट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने मॉडरेट अमाउंट की बात करी तो मेल्स में 2 ड्रिंक पर डे अलाउड है और फीमेल्स में 1 ड्रिंक पर डे अलाउड है। अब दोस्तों, जब भी आप अल्कोहल पीते हैं वह लिवर से प्रोसेस होता है ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेस में लिवर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, जो अल्कोहल से भी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ज़्यादा शराब पीने से ये पदार्थ लिवर में और ज़्यादा बनते हैं और ये जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, ये लिवर की कोशिकाओं को, सेल्स को और हमारे शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं और लिवर को कई लोगों में सीरियसली डैमेज भी ये कर देते हैं। अल्कोहल से होने वाली लिवर की बीमारी की वजह से 5 में से 4 लोगों की मौत तक हो जाती है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें अल्कोहल से कई तरह की लिवर की बीमारी हो सकती है, जैसे कि फैटी लिवर या स्टेटोसिस, लिवर की सूजन या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस या लिवर की स्कारिंग और लिवर फेलियर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फैटी लिवर की, जहां लिवर में फैट जमा होने लग जाता है। ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं और इसका पता किसी और बीमारी के लिए की गई पेट की सोनोग्राफी से पता चलता है, जहाँ लिवर नॉर्मल से ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। कुछ लोगों में थकान, भूख ना लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट में लिवर के एंजाइम्स जैसे कि SGOT, SGPT ये बढ़े हुए आ सकते हैं और अल्कोहल की वजह से होने वाले फैटी लिवर में SGOT की जो मात्रा है वो SGPT से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इस स्टेज पर बीमारी को ट्रीट या इंटरवीन ना किया जाए तो लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, जो कि इररिवर्सिबल होता है, मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। लिवर डैमेज में सेकेंड स्टेज आती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। इस स्टेज में लिवर में सूजन आ जाती है, लिवर हार्ड होने लगता है और अगर शुरुआत में इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज को भूख न लगना, जी घबराना, पेट में दाईं तरफ दर्द होना, पीलिया होना, खून की जांच में बिलरुबिन बढ़ जाता है, लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस ये भी हो सकता है। अगली और आखिरी स्टेज है लिवर सिरोसिस। 5 में से 1 हैवी ड्रिंकर को सिरोसिस डेवलप हो सकता है। लिवर में जमा फैट और सूजन की वजह से लिवर में स्कारिंग होने लग जाती है और अगर स्कार ज़्यादा बनने लगे तो उसे सिरोसिस कहते हैं। लिवर के नॉर्मल सेल्स की जगह ये स्कार्स ले लेते हैं जिससे लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है और लिवर फेलियर में चला जाता है। लिवर फेलियर एक जानलेवा बीमारी है। शुरुआत में सिरोसिस के लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं पर बाद में सिरोसिस की वजह से लिवर हार्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है। सिरोसिस में एल्ब्यूमिन लिवर से बन नहीं पाता है और शरीर में उसकी कमी हो जाती है।
खून में इस कमी की वजह से, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से धमनियों या ब्लड वेसल से जो पानी है वो बाहर निकलने लग जाता है और शरीर के कई हिस्सों में इकट्ठा होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन, पेट में पानी का इकट्ठा होना, ये सब डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो भोजन की नली की वेन्स है, नसें हैं, वह भी फूल जाती है, जिससे खून की उल्टी, मोशन में ब्लड आना, काला स्टूल होना जैसे लक्षण पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। लिवर शरीर से कई तरह के वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है, जिसमें से एक है अमोनिया। सिरोसिस या लिवर फेलियर में शरीर में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो ब्रेन में जाके असर करने लग जाती है, जिससे मरीज में बेहोशी आना और मरीज का बहकी बहकी बातें करना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। सिरोसिस में लिवर की मांसपेशियां ये भी टूटने लगती है, जिससे मरीज कमज़ोर हो जाता है। लिवर में खून का थक्का जमाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं, जो सिरोसिस में बनना बंद हो जाते हैं, और शरीर में प्लेटलेट्स जो है वो भी कम हो जाती है, जिससे खून पतला हो जाता है और मरीज़ के शरीर पर लाल लाल निशान होने लग जाते हैं। इजीली पेशेंट की ब्रूजिंग डेवलप हो जाती है। मरीज़ का जो PTINR है वो भी बढ़ जाता है और यह दर्शाता है कि मरीज़ का खून पतला हो गया है। इसके अलावा स्प्लीन की साइज़, जो तिल्ली की साइज़ है, वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होती है और प्लेटलेट्स का नंबर पेशेंट में कम हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों में अल्कोहल का सेवन करने से लीवर डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये लोग हैं ओबीस लोग, यानी कि जिनके मोटापा ज़्यादा है, जिनका वज़न सामान्य से ज़्यादा है। इन लोगों में जो फैटी लीवर का रिस्क है वो बढ़ जाता है और आगे सिरोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जो स्मोकर हैं, अल्कोहल के साथ स्मोकिंग करने से भी आपके लीवर जो सिरोसिस का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी डाइट पुअर है, जो हैवी ड्रिंकर्स हैं पर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर जो बैलेंस डाइट है वो नहीं लेते हैं, उनमें भी लिवर सिरोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लिवर के अलावा अल्कोहल शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दिमाग पर इसका क्या असर होता है। लंबे समय तक अल्कोहल पीने से आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट और सूनापन ये डेवलप हो सकता है। समय के साथ अल्कोहल आपके ब्रेन के जो फ्रंटल लोब है उस पर भी खराब असर दिखाना शुरू कर देता है, जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, रीजनिंग की पावर है, सोशल बिहेवियर है और जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सब हैम्पर करने लग जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक हैवी ड्रिंकिंग की वजह से वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी बीमारी भी डेवलप हो सकती है, जिसमें आपकी जो याददाश्त है उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हार्ट पर यानी कि दिल पर अल्कोहल का क्या असर होता है। अल्कोहल के ज़्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी दिल की बीमारी, दिल की जो गति है वो अनियमित हो जाती है, एरिथमिया डेवलप हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट फेल हो जाना, ऐसी समस्या डेवलप हो जाती है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी भी डेवलप हो सकती है, जिससे मरीज को हमेशा थकान महसूस होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। शराब के सेवन से हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी जो लाइनिंग है वो नष्ट होने लगती है, जिससे भोजन के विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और उनकी कमी हो जाती है। हैवी ड्रिंकिंग से पेट में गैस होना, ब्लूटिंग होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, अल्सर यानी कि पेट में छाला और पाइल्स यानी कि बवासीर जैसी जो समस्याएं हैं वो भी डेवलप हो जाती है। इन अल्सर से ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि इन छालों से ब्लीडिंग हो जाती है, खून का रिसाव होता है जो कि घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा पैनक्रियास, जो कि हमारे शरीर में जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, उसमें भी सूजन आ सकती है, जिसे पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो असंतुलित मात्रा में निकलने लगते हैं, जिससे मरीज को पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और इस बीमारी का अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह लंबी बीमारी का रूप ले सकती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं और कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। और पैनक्रियाज में ही इंसुलिन बनता है और इस बीमारी से जो शुगर का संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। शुगर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। लंबे समय तक हैवी ड्रिंकिंग से आपकी सेक्स हार्मोन जो है वो बनना कम हो जाते हैं, आपकी सेक्स की इच्छा वो भी कम होने लग जाती है, इरेक्शन आने में और मेंटेन करने में दिक्कत होती है और ऑर्गाज्म अचीव करने में भी दिक्कत होती है।
महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इसका असर होता है, इनफर्टिलिटी या बांझपन भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी बोन्स की, हड्डियों की। हैवी ड्रिंकिंग से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और उनमें फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। मांसपेशियों में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है जिससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की। हैवी ड्रिंकिंग से हमारा इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। और WHO ने ये पाया है कि दुनिया के 8% टीबी के केसेस अल्कोहल से कनेक्टेड है। इसके अलावा अल्कोहल से मुंह, गले, ब्रेस्ट, भोजन की नली, बड़ी आंत और लिवर के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अल्कोहल के साइकोलॉजिकल असर की। हैवी ड्रिंकर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन हैं। अल्कोहल से हमारे इमोशन, मूड और व्यक्तित्व पर भी गहरा असर होता है। किसी चीज़ पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो पाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इसके अलावा अल्कोहल की लत की वजह से काफ़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है, जिसमें मरीज अल्कोहल नहीं पीने पर विड्रॉल सिम्टम्स ये डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हाथों का कांपना, नर्वस होना, एंजाइटी होना, ज़्यादा पसीने आना, जी घबराना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दौरे आना, चीज़ें दिखाई देना और बहकी बहकी बातें करना। इसके अलावा मरीज के पारिवारिक रिश्तों पर भी अल्कोहल से असर होता है और घर पर आए दिन तनाव होना एक आम बात हो जाती है। हैवी ड्रिंकिंग से आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे अल्कोहल का सेवन शरीर के लिए हर तरह से नुकसानदायक है। दोस्तों अगर आप धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग की समस्या से परेशान हैं और इसे तुरंत छोड़ना चाहते हैं तो आप राइट में दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने धूम्रपान छोड़ने के आसान तरीकों के बारे में डिस्कस करा है। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करें। धन्यवाद।